16ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୂଳଠାରୁ ଦୂର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ଲାଭ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥେରାପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସ୍ୱଦେଶୀ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ପରିଚୟ। ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 16ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ 2021କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ମାଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମୂଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୋନା ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁ ଉନ୍ନତମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିତେ ବର୍ଷ ମେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟୋନେ ହର କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଅପନି ପହଚାନ କୋ ଔର ମଜବୁତ କିଆ ହୈ। साथियों, मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है, चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारे हो, चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो, हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है। ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है, कितना गर्व होता है। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं, वहां ही नहीं बल्कि भारत में, भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया, वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया सारा रहितिबा समस्त प्रवासी जेपरी सामाजिक और सांस्कृतिक दिगरे सेवा करिचंती, यहाँ देश पाई एक गौरवर विषय। एपरी की कोरोना काल रे प्रवासी भारतीय मानकर भारत पीएम केयर फंड को सहयोग जोगु भारत रे कोरोना सेवा दिगरे सहाय्य मिली परिचि। ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତ କରୋନା କାଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ, ସବୁଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ। ଆଜି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ମାତା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପରମ୍ପରା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା 240 ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଗଠନରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡାଏସ୍ପୋରାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି,
प्रवासी भारतीय माने जेउटाकु गले मध्य भारतीयतार परिचय देछंती ओ भारतीयता विस्तार करिछंती। न्यू इंडिया निर्माण दिगरे विदेशरे थिबा भारतीय मानंकर अवदान अनेक रहिछि। मेरा विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीय समुदाय के लोगों से, हमारे मिशन में बैठे हुए सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करें, एक पोर्टल तैयार करें और उस पोर्टल में ऐसे प्रवासी भारतीयों का जिन्होंने आजादी के जंग में विशेष भूमिका निभाई है उनकी सारी तथ्य आधारित चीजें उसमें रखी जाएं, जहां भी फोटो उपलब्ध है फोटो रखी जाएं, विश्व भर में कब किसने क्या किया कैसे किया इन बातों का उसमें वर्णन हो, हर भारतीय के पराक्रम का, पुरुषार्थ का, त्याग का, बलिदान का, भारत माता के प्रति उसकी भक्ति का गुणगान हो, उनकी जीवन गाथाएं हो जिन्होंने विदेश में रहते हुए भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि अब जो क्विज कंपटीशन के लिए जो क्विज तैयार होंगे उसमें विश्व भर में ऐसे भारतीय समुदाय के योगदान पर भी क्विज का एक अलग चैप्टर हो, 500, 700, हजार वो सवाल हो जो विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के विषय में भी जिज्ञासु लोगों को लिए ज्ञान का एक अच्छा सरोवर बन जाए। ऐसे सारे कदम हमारे बंधन को मजबूत करेंगे। उद्घाटनी अधिवेशन रे सुरीनाम राष्ट्रपति चान सांतोखी मुख्य अतिथि भावे कार्यक्रम को संबोधित करथिले। तांकर सेवा मनोभाव और भारत पई तांकर मनरे थिबा स्नेह समस्तक मन को छुई पारिछि बोली प्रधानमंत्री उद्बोधन रे कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।